चार पांच महीने में बापू ठीक तो हो गए, लेकिन डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर पेशेंट वाला कार्टून वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप क्रोमाटोन्स का यूज करके डॉक्टर और पेशेंट वाला कार्टून वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन कैरेक्टर भी फ्री में देने वाला हूँ, जिसमें डॉक्टर का कैरेक्टर भी शामिल होगा, और उन तीनों कैरेक्टर को यूज करके आप अलग अलग टाइप के यहाँ पर कार्टून वीडियो बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर से देखना है, क्योंकि मैं कभी भी आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको कैरेक्टर मिलेगा। आप सोचो कि आपको कैरेक्टर लास्ट में मैं बताता हूँ, तो आप लास्ट में जाकर वीडियो देखकर कैरेक्टर ले लो, लेकिन मैं लास्ट में नहीं बताकर बीच में बताऊँगा कि कहाँ से आपको कैरेक्टर मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर से देख लेना। सो दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरह का कार्टून वीडियो, यानी कि डॉक्टर पेशेंट वाला कार्टून वीडियो बनाने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जहाँ से हम बैकग्राउंड लेंगे। उसके बाद हमें क्रोमाटोन्स को भी यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है सबसे पहला नाम है, जिसका नाम जो है इमेज सर्च मैन। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं इमेज सर्च मैन, तो इसी की मदद से हम यहाँ पर अपना जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड करेंगे। तो इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऐप है जिसका नाम मैंने पहले बता दिया आपको, क्रोमाटोन्स। तो इसको भी आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, और ये क्रोमाटोन्स का ऐप आएगा। यहाँ से हम अपने डॉक्टर का एनिमेशन तैयार करेंगे और पेशेंट का भी यहाँ से एनिमेशन तैयार करेंगे, जो कि कैरेक्टर ऐड करने के बाद होगा। तो इसको भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। दो ऐप हो गए, और तीसरा ऐप है जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, यानी कि क्रोमाटोन्स से हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाती है, इस वजह से हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। बहुत से भाई को मैं हर बार बताता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर आपको डाउनलोड करके ही क्रोमाटोन्स से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर भी मेरे पास कमेंट आता है कि भाई हमारा क्रोमाटोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। भाई, इस क्रोमाटोन्स से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको एक एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब तीनों ऐप डाउनलोड हो जाए, तो सबसे पहले आपको इमेज सर्च मैन को ओपन करना है। इमेज सर्च मैन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है जिस टाइप का आपको कार्टून बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार्टून हॉस्पिटल बैकग्राउंड, तो इसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा बैकग्राउंड चाहिए जहाँ पर एक बेड भी हो और एक स्टूल भी लगी हुई हो। तो मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पर इस पर बेड भी है और यहाँ पर स्टूल भी है, लेकिन यहाँ पर ये वाला देखिए, इस पर भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको जो और पसंद हो ये वाला देखिए, इस पर क्लिक करके यहाँ से ये वाला भी ले सकते हैं, और यहाँ से इस वाले और ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर ये वाला लेना चाहे तो ये वाला भी आप ले सकते हैं। जैसे इस कैरेक्टर पर इस पर आपने क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना बैकग्राउंड ले लेना है, जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीटेड आ चुका है। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको चले जाना है अपने क्रोमाटोन्स ऐप में। तो मैं यहाँ पर क्रोमाटोन्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ से अपने कैरेक्टर को ऐड करके कैरेक्टर का एनिमेशन तैयार करता हूँ। तो क्रोमाटोन्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ इस तरह से चार कैरेक्टर मिलेंगे। इन चारों कैरेक्टर की जगह आपको अपने कैरेक्टर ऐड करने हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज करके ग्रीन स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से ग्रीन बीजी को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो ग्रीन स्क्रीन हो गया। अब कैरेक्टर ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर वाला ऑप्शन दिया हुआ है इस साइड में, ये देखिए ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कैरेक्टर के ऑप्शंस आ जाएंगे, कैरेक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको यहाँ पर सिंपली कैरेक्टर फर्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको लास्ट में चले जाना है जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट कस्टम का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, ऊपर एक फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप लोड पर क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस गैलरी में एंटर करके आपको अपना कैरेक्टर वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो कैरेक्टर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपको यहाँ पर कैरेक्टर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको कैरेक्टर सेकंड पे चले जाना है, इंपोर्ट कस्टम पे चले जाना है, फ्रॉम ड्राइव पर टिक करना है, और लोड पर क्लिक करके कैरेक्टर को ऐड कर लेना है गैलरी से। इसी तरह कैरेक्टर थर्ड पर भी हम इसी तरह से करेंगे, और कैरेक्टर फोर्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैरेक्टर फोर्थ भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी मैं तीन कैरेक्टर दूंगा आपको, बाकी चौथा कैरेक्टर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन है नन का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कैरेक्टर
यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना कैरेक्टर ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एनिमेशन तैयार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आ जाएंगे कैरेक्टर। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका एक एक करके एनिमेशन तैयार करना है। तो एनिमेशन कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले इस वाले कैरेक्टर का करेंगे। तो इसका जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मूव फर्स्ट सेकंड। अब जैसे मूव फर्स्ट में भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चलना फिरना दौड़ना खाना पीना बोलना वोलना सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कैरेक्टर का या फिर कहीं पर भी किसी भी टाइम आप जब भी एनिमेशन यहाँ पर तैयार करें तो आपका जो डिफ़ॉल्ट मूव है इसमें आपको चेंज नहीं करना है। इसमें आइडल है तो आइडल ही आपको रखना है और मूव फर्स्ट से आपको हमेशा अपना यहाँ पर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर मूव फर्स्ट पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको स्लिप फ्रंट साइड। तो मैंने स्लिप फ्रंट साइड कर लिया या फिर स्लिप फ्रंट साइड मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मूव सेकंड थर्ड को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, मैंने सिर्फ एक किया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूँ, इसका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वापस से आइडल पोजीशन में आ गई। ये अभी जब हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर वापस से हम अपना मूव चेंज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो बताऊँगा आपको। अभी देखिए ये वाला इसका हो गया। अब इसका करते हैं तो इसके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसका कर देंगे हम सिटिंग आइडल। देखिए सिटिंग आइडल कर देंगे ताकि इसको हम कुर्सी पर बिठा सकें इस तरह का। उसके बाद ये जो डॉक्टर है डॉक्टर का करेंगे हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, मूव फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे डॉक्टर का वॉकिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग वॉकिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे हम आइडल, इसमें मूव सेकंड में आइडल कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इनका आप तीनों का हो गया। अब आपको क्या करना है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आपने डाउनलोड किया था उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है। इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप ऑन करना होगा जो कि प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया था। उसको ऑन करने के बाद इस वाले रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करते हैं तो इसके जो सारे ऑप्शन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसी काम बस ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। अब आपने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप ऑन कर लिया। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर ये दिए हुए हैं इनका मूव आपने चेंज करना है, यानी कि आपने मूव फर्स्ट से यहाँ पर सिलेक्ट किया था उसको चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब आइडल पोजीशन में यानी कि डिफ़ॉल्ट मूव में है। अब इस पर लेडीज़ वाले कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि हमने करा था स्लिपिंग फ्रंट, तो ये हो गया। उसके बाद इस वाले कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो इसका मूव फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पर सेटिंग वाला, तो सेटिंग हो गया। अब डॉक्टर का करेंगे तो इस पर हमने क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो मूव फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको जितने सेकंड की इनकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है वो कर लीजिए। उसके बाद देखिए मूव सेकंड कैसे चेंज करते हैं, इसका हमने मूव सेकंड करा था आइडल पोजीशन, तो इसका हम क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो मूव थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो मूव फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सबका मूव चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको कर लेनी है, करके उसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको अपना एडिटिंग ऐप ओपन करना है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ काइन मास्टर को, तो मैं यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, उसके बाद 16 नोकी रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका जो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे उन बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं अपने बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर दो बैकग्राउंड लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए ये वाला जो बैकग्राउंड है ये फुल स्क्रीन में सेव नहीं है। अब इसको फुल स्क्रीन में करेंगे तो उसके लिए आपको ये जो बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे करेंगे यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेना है, इस तरह से इसको जूम कर लेना है दोनों उंगली से पकड़कर, ताकि इसमें सेव हो सके। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री क्रिएटर लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको कैरेक्टर सेंड कर दूंगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको ये कैरेक्टर अपलोड कर दिया हूँ, जहाँ से आप ले सकते हैं फ्री में, मैं आपको वहाँ पर कैरेक्टर दे दूँगा। अब देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद सेकंड वाले को क्लिक करना है और उसको भी यहाँ पर इस तरह से बढ़ा लेना है, जितना आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है ये पहले वाला बैकग्राउंड, इसको क्लिक करना है यहाँ पर और इसको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद ये दो हो जाएंगे, एक को यहाँ से उठाना है और पीछे पीछे ले जाना है। देखिए ये वाला, उसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला। अब कैसे सेट करेंगे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो सबसे पहले आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है
और यहाँ से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है, अब आपको सिंपली यहाँ पर ये जो मिक्सर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और वॉल्यूम को ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो इसलिए किया है कि मान लीजिए आपने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो, जब कोई फालतू की वॉइस ऐड हो गई होगी तो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर जाना है आपको नीचे क्रॉपिंग पर। क्रॉपिंग पे जाने के बाद इन दोनों कैरेक्टर को इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपका क्रोमा की का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये यहाँ से इस तरह से हो गया। अब आपको फिर से यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है और ये जो लेडीज़ का कैरेक्टर है इसको आपको यहाँ से निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको इसमें वीडियो में आगे देखना है कि ये स्लिपिंग कहाँ से हो रही है। यहाँ से आपकी कैरेक्टर स्लिपिंग हो रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को रखेंगे और ऊपर ये जो कैची वाला ऑप्शन है इस पर चले जाएंगे, यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो ये कट लग जाएगा, अभी आगे वाला पार्ट क्या है बेकार है, तो इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे और इसको उठाकर इस तरह से ले आएंगे। ले आए तो अब इसको यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर इस तरह से सुला देंगे, ये इस तरह से सो गई। उसके बाद यहाँ पर आएंगे जहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से वापस से कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट कर दिया, ये कट हो गया अलग। अब आपको इस पर आ जाना है, इस वाले ये वाला जो एनिमेशन है यानी कि ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको सिलेक्ट करना है इस वाले कट को और ये जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करेंगे तो ये देखिए दो हो गए। अब आपको फिर से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ये क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर, और इसमें से इस कैरेक्टर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल लेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से बाहर निकल के अब इसको यहाँ पर हम बड़ा करके यहाँ पर इस वाले जो बेंच है इस पर बिठा देंगे। ये इस पर बैठ गया, देखिए इस तरह से हो गया। अब ये वाला कैरेक्टर देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है इसको भी यहाँ पर क्या करना है, आपको फिर से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस साइड में क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाकर इसमें से हम निकाल लेंगे डॉक्टर का कैरेक्टर, इस तरह से देखिए कैरेक्टर निकल गया डॉक्टर का। अब देखिए आपका ये जो बैकग्राउंड है, सॉरी ये जो ये चलने वाला ये बैकग्राउंड कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर रेड लाइन को रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर भी कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट कर दिया तो अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जैसे रखेंगे ये देखिए चाबी वाला ऑप्शन आ रहा है, इस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर इसलिए जाना है इसे लास्ट में, तो इस कैरेक्टर को उठाकर इस साइड में इस तरह से कर देंगे। तो आपका कैरेक्टर जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए एक पति अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और डॉक्टर का इंतज़ार करता है, उसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर जैसे वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर उनको आकर पूछते हैं कि आपकी पत्नी को क्या हुआ। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से ये चला गया। अभी यहाँ पर डॉक्टर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आ गए कि यहाँ पर ये पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गए, मैं यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये आ रहा है, इसके बाद बेकार पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर रेड लाइन को रखेंगे और यहाँ से कैची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम राइट कर देंगे। उसी तरह से बैकग्राउंड को भी हटा देंगे और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आगे वाले थे उन सबको यहाँ पर लेटाना है। तो यही वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, आप यहाँ से इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इस वाले ये जो एनिमेशन है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। कर दिया, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर फिर से आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर इंपोर्ट आपको करनी है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई। अब वही आपको मिक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी वॉल्यूम को ज़ीरो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद वही क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, इसको क्रॉप करके इस तरह से निकाल लेना है। वही आपको आगे जाना है और यहाँ से कैची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम लेफ्ट भी आप कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद वही क्रोमा की को इनेबल करेंगे तो यहाँ से स्लिपिंग ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगा, इसको यहाँ पर स्लिप करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ से हम लगा देंगे कट, ये स्प्लिट हो गया। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ पर रख कर रख देंगे, इसको तो यहाँ पर छोड़िए। इसमें से हम डॉक्टर का कैरेक्टर निकालेंगे इस वाले में से, तो और इसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देंगे। वही डुप्लीकेट जैसे करेंगे आप यहाँ पर तो ये इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको क्रॉपिंग पर चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से वापस इसको निकाल लेना है। अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा है तो आप वापस से लेयर पे जाकर मीडिया पे जाकर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से बिठा दिया, ये हो गया। अब देखिए आपका ये दोनों यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब आपका डॉक्टर वाला निकालेंगे तो ये वाला जो यहाँ पर ये वाला है इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से ये वाला ये जो एनिमेशन है ये लास्ट का बचा था, हमने क्रॉप करके निकाला था, इसको यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे और इसको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसमें से ये वाला कैरेक्टर निकालेंगे हम डॉक्टर का, इस तरह से। देखिए डॉक्टर का कैरेक्टर हमने निकाल लिया।
अब इसमें देखेंगे कि डॉक्टर कहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक चलना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर यहाँ तक चल रहा है, फिर यहाँ से बोलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इस एनिमेशन को थोड़ा सा इस साइड में खिसकाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि डॉक्टर कहाँ पर बोलना बंद कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इस तरह से चल रहा है डॉक्टर, ये चल रहा है डॉक्टर यहाँ पर, और यहाँ पर आकर बोलना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, रेड लाइन को यहाँ पर रखेंगे, कैची वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद देखिए क्या होता है, आपको ये जो पहला पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है, इसको बड़ा कर लेंगे हम डॉक्टर को, और बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, वही चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आगे चले जाना है यहाँ पर कोने पर, और इसको यहाँ से उठाकर इस कैरेक्टर को यहाँ पर इसके पास ले आना है। ले आए उसके बाद देखिए ये यहाँ से इस तरह से आपका कैरेक्टर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये अपने पेशेंट के पास इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो पीछे का पार्ट है ये वाला बेकार पार्ट, ये बेकार नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर ये पार्ट इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट को आपको बढ़ाना है और इस डॉक्टर की हाइट के बराबर करके इस पर ऐड कर देना है इस तरह से। आप देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा कैरेक्टर यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये हो गया यहाँ तक। अब इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके लास्ट वाले पॉइंट पर जाकर कैची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम राइट कर देंगे। तो ये बराबर हो चुके हैं, अब आपका यहाँ पर पूरा कैरेक्टर बनकर कार्टून वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इस पर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से वॉइस ओवर अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुछ स्टोरी इस तरह थी कि यहाँ पर एक गांव वाला अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और डॉक्टर का इंतज़ार करने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करने के लिए उनके पास आते हैं। जब डॉक्टर उनके पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या तकलीफ है और आपको क्या हुआ है, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये आकर इस तरह से बोला, तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर स्टोरी वीडियो बनाया है। अब ये जो तीनों कैरेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैरेक्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सिंपली उस स्टेप को फॉलो करके आप कैरेक्टर ले सकते हैं। अब इस वाली वीडियो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।